अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है अंडों का मगज़। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने ले लिए हैं 2 अदद टमाटर है जिनको हमने काट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी है, नमक है हल्दी ज़रूरत, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा है भुना हुआ कुटा हुआ, 3 अदद प्याज है जिसको हमने काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पतीली में हम ऑयल डाल देंगे, 2.5 चम्मच हमने तेल डाल दिया है खाना पकाने के। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को हम सौते कर देंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट को भी भून लेंगे, प्याज के साथ टमाटर डाल देंगे, अब डाल देंगे हल्दी ज़रूरत, टमाटर हमारे गल जाएंगे तो फिर हम मसाला डाल देंगे। टमाटर हमारे भून चुके हैं, अब इसमें हम कुछ मसाला डाल देंगे, कुटी हुई मिर्चें, कुटा हुआ जीरा डाल देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसी हुई मिर्चें, मसाले को अच्छे से भून लेंगे मिक्स करके। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, 2-3 चम्मच ही पानी डालिएगा। अंडे हमने तोड़ लिए, हमारे 4 अदद अंडे हैं जिसपे हमने हरी मिर्चें काट के अंडों में ही डाल दिए, 3 अदद मिर्चें हैं हरी। मसाला अच्छे से हमारा भून चुका है, अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। इसको चलाएंगे नहीं और पतीली का ढक्कन ऐसे ही 5 मिनट के लिए बंद कर देंगे, हल्के फ्लेम पे इसको रख देंगे। अंडे को अब मिक्स कर देंगे, चूल्हा हमने बंद कर दिया, हमारी रेसिपी तैयार हो गई। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अब हमारी रेसिपी रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे हमारी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।